राजधानी दिल्ली के मेहरौली में स्थित 600 साल पुरानी मस्जिद पर 30 जनवरी को बुलडोजर चल गया। डीडीए की ओर से अचानक की गई इस कार्रवाई से वकीलों की फौज खड़ी हो गई और मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। वहीं हाईकोर्ट ने भी दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या आपने मेहरौली की इस ऐतिहासिक मस्जिद को गिराने से पहले कोई सूचना दी थी। दूसरी ओर डीडीए का कहना है कि उसने डिमोलिशन ड्राइव अभियान के चलते मस्जिद और उसके आसपास की संरचनाओं को अनाधिकृत मानते हुए जमींदोज किया है। बहरहाल मामला कोर्ट में है, डीडीए को एक हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा। वहीं इस मस्जिद के गिराए जाने से मुस्लिम समुदाय खासा नाराज है। डीडीए ने जिस अखुंदजी मस्जिद को अपने बुलडोजर से ध्वस्त किया है उसका भी एक इतिहास है। स्थानीय लोगों और मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि यह मस्जिद आज से करीब 1300 साल पहले बनाई गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि स्थानीय लोगों का दावा है कि यह मस्जिद 600 से 700 साल पुरानी थी और रजिया सुल्तान के शासनकाल यानी 1236 से 1240 के दौरान निर्मित हुई थी। इस मस्जिद का उल्लेख इतिहास में कम ही मिलता है, जिसके कारण इसकी सटीक उम्र और निर्माता को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मस्जिद 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश द्वारा बनाई गई थी। मस्जिद के परिसर में बहरुल उलूम मदरसा और कुछ पुरानी कब्रें भी थी। दिल्ली के मेहरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद गिराने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उसने दो दिन पहले मेहरौली में एक मस्जिद को गिराने से पहले पूर्व सूचना दी थी। बुधवार को हुई कार्रवाई में अदालत ने डीडीए को यह भी बताने का निर्देश दिया कि किस आधार पर संपत्ति को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश गुरुवार को सार्वजनिक किया गया। अदालत दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक तत्काल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में 600 साल पुरानी मस्जिद को ढहाने के लिए भूमि मालिक एजेंसी की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति ने आरोप लगाया कि अखुंदजी मस्जिद के इमाम को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अपने कदम का बचाव करते हुए डीडीए ने कहा कि संबंधित संपत्ति के संबंध में विध्वंस की कार्रवाई धार्मिक समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसमें कहा गया है कि समिति ने 4 जनवरी को अपनी सिफारिश दी थी। एजेंसी ने आगे दावा किया कि समिति अपने निष्कर्ष पर पहुंचने और पिछले महीने निर्णय लेने से पहले ही वक्फ बोर्ड के सीईओ को सुनवाई का मौका दे चुकी थी। इसने याचिकाकर्ता बोर्ड के इस रुख का विरोध किया कि एजेंसी की कार्रवाई अवैध थी। एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने डीडीए को एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसमें स्पष्ट रूप से संबंधित संपत्ति के संबंध में की गई कार्रवाई और उसके आधार का विवरण दिया जाए। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। 12 फरवरी को यह अगली तारीख पर प्रबंध समिति के इस तर्क की जांच करने पर भी सहमत हुआ कि धार्मिक समिति के पास किसी भी विध्वंस कार्रवाई का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और सिफारिशों पर डीडीए की निर्भरता कानूनी नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।